सेकेंड ईयर इंग्लिश लेक्चर नंबर 38 टॉपिक गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू सेकेंड ईयर क्लास? आई होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग अ सेफ एंड साउंड हेल्थ एंड मे यू कीप एंजॉयिंग ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ बाय अल्लाह सुब्हान व तआला, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लास एंड लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 6 and we were almost at the end of this chapter. ऐसे ही बेटा याद है आप लोगों को that we had started chapter number 6 of our novel that is goodbye Mr. Chips. और बेटा उस chapter में what was going on कुछ याद है आप लोगों को उसमें क्या हुआ था previously, दो तीन lectures में क्या मैंने पढ़ाया है that Catherine she convinced Mr. Chips to have a soccer, to have a football match with the slum boys, popular boys and with the team of Brookfield, so that there is an air of mutual happiness and mutual friendship is being developed among these two different classes. ठीक है बेटा, तो उसने जो है वो उनको जो उनके दरमियान में डिफरेंस था, she tried to finish it so that the students, the boys of other areas or the poor areas of England, they may also come to Brookfield and they also have the facilities to read, to study in this particular institute. ठीक है बेटा, so let's continue now. What was in the previous lecture? That a boy who was the member of the of that team, of the first team that entered, that came to the Brookfield in order to play a football match, he was one of those boys. So after years later, ठीक है, कई सालों बाद बेटा, he come and he met Mr. Chips and he also asked about Catherine Bridges, who was the wife of Mr. Chips, because all the people, they have forgotten her and she had died a very long years ago. बहुत साल से पहले उसकी डेथ हो चुकी, that's why nobody remembered her. So when he remembered her, the boy, so Mr. Chips, he got very surprised and happy as well. सो इसे ही ऐसा डू यू, इसमें बेटा जो प्रीवियस लाइन उसमें पूछते हैं कि डू यू, क्या तुम्हें याद है? चिप्स आंसर्ड ईगली, डू यू रिमेंबर हर, क्या तुम्हें वो याद है? ओके बेटा, और फिर जो स्टूडेंट था उसका वो क्या आंसर आगे से करते हैं, रादर आई शुड थिंक एवरी वन वुड, जी हाँ बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो हर एक को याद होंगी, मीन टू से शी हैड सच अ ट्रेमेंडस एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो अ मोटिवेटिंग ब्रिलियंट गर्ल दैट एवरीबडी ही माइट रिमेंबर हर, ठीक है ना, ये उसका ख्याल था। एंड चिप्स रिप्लाइड, चिप्स ने बेटा क्या जवाब दिया, दे डोंट यू नो एट लीस्ट नॉट हेयर, कहता वो उनको याद नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी याद नहीं है, बॉयज कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, कहता कि लड़के आते जाते रहते हैं, एवरी टाइम देर आर न्यू फेसेस, ठीक है, मेमरीज डोंट लास्ट, इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, कहता कि मेमरीज जो ज़्यादा अर्सा तक तो नहीं बरकरार रहती ना, यादें जो हैं वो जल्दी इंसान भूल जाता है, दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग दैट ही फॉरगेट वॉट एवर इज़ डन, वॉट एवर इज़ हैपन इन हिज पास्ट, जो कुछ उसके माजी में गुजर चुका होता है बेटा उसको भूल जाता है। सो मिस्टर चिप्स इज़ क्वाइट राइट व्हेन ही सेज दैट मेमरीज डोंट लास्ट, के यादें जो बेटा ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती, इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, और जो मास्टर्स हैं, जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, वो भी ज़्यादा अर्से तक नहीं कायम वहाँ पे रहते बेटा। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, कहता कि जब पुराना ग्रिबल जो है वो बूढ़ा ग्रिबल रिटायर हुआ, ग्रिबल वाज द स्कूल बटलर, ठीक है, ही इज़ द स्कूल बटलर, बटलर मीन बेटा खानसामा जिसको कहते हैं, जो कुक होता है, ठीक है, देयर हैज़न्ट बीन एनीवन हियर हु एवर सॉ माय लाइफ, कहते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है जिसने कभी मेरी वाइफ को देखा होगा, शी डाइड यू नो लेस देन अ ईयर आफ्टर यू विजिट इन 19 एज, ठीक है, कहती है कि जब तुम्हारे जब आप यहाँ से विजिट करके गए थे, ठीक है, यहाँ पे मैच खेल किए थे, तो उसके बाद एक साल से भी कम अर्से में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ओ आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर, देस टू और थ्री और माई पॉज एनी हाउ हु रिमेंबर हर क्लियर एज एनी थिंग, दो वी डिंट ओनली सी हर दैट वर्स्ट, येस वी रिमेंबर हर ऑल राइट, कहते हैं कि हम जो हैं सिर्फ आई वो पहले तो बेटा बड़ा उदास होता हो जाता है कि यस बिकॉज ही डिड नो ना कि शी हैज़ डाइड, सो ही सेज दैट आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर, कहते मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के, देयर इज टू और थ्री ऑफ माय पास्ट मीन फ्रेंड, ठीक है,
पेलमिन फ्रेंड मेट कंपेनियन कहता है दो या तीन मेरे दोस्त हैं हु रिमेंबर हर क्लियर एज एनीथिंग कि जिनको किसी भी चीज़ की तरह क्लियरली याद है मीन से कि हु कुड रिमेंबर हर उसको याद कर सकते हैं शी इज़ अलाइव इन देयर मेमोरी दो वी डिड ओनली सी हर दैट वर्स्ट लेकिन कहते हैं कि अगरचे हमने उसको उसी वर्स्ट मीन बेटा मोमेंट उसी लम्हे में हमने उनको देखा था येस वी रिमेंबर हर ऑल राइट इसके हम उनको जो है वो अच्छी तरह याद है ठीक है बेटा ओके नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर दिस टू और थ्री ऑफ माई पास एनी हाउ हू रिमेंबर अच्छा ये कर लिया था ओके आई एम वेरी ग्लैड दैट वॉज अ ग्रैंड डे वी ऑल हैज एंड अ फन गेम टू कहते कि मैं बहुत खुश हूँ ठीक है वो सब हम सब के लिए बहुत बड़ा ग्रैंड डे इट वॉज अ स्प्लेंडेड डे फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए बहुत ही स्प्लेंडेड डे था यादगार दिन था ठीक है एंड अ फन गेम टू और बहुत अच्छा खेल भी देखने को मिला था ठीक है बेटा वन ओ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ विश इट वॉज देन एंड नॉट न स्ट्रेट आई डू आई एम ऑफ टू फ्रांस टू मॉरल अच्छा जी बेटा कहते हैं कि वन ओ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ कि वो जो मेरी जिंदगी में बेहतरीन दिन थे उनमें से ये एक दिन था ठीक है विश इट वॉज देन कि काश वही वक्त होता विश इट वॉज देन काश वही वक्त होता एंड नॉट नॉट स्ट्रेट और ये वक्त और ये मौजूदा वक्त ठीक है एंड इट वॉज देन एंड नॉट ने स्ट्रेट कि वो ये जो अब टाइम है ना बेटा ये मौजूद ना होता ठीक है आई डू आई एम ऑफ टू फ्रांस टू मॉरल ठीक है मैं साफ साफ कहता हूँ मैं कल फ्रांस जा रहा हूँ टू मॉरल मीन टूमोरो आई एम ऑफ टू फ्रांस टूमोरो कल मैं फ्रांस जा रहा हूँ ठीक है अ मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एट पिशेंडेल ठीक है कहते हैं कि एक महीने बाद तकरीबन एक महीने बाद चिप्स ने सुना कि वो पेशेंट दिल में मारा गया था सो बेटा दिस वॉज चैप्टर नंबर 6 एंड हियर वी फाइंड दैट हाउ मिस्टर चिप्स ही रिमेंबर्ड कैथरीन एंड ऑल द टाइम दैट हैड बीन स्पेंट दैट हैड बीन पास्ड बाय हिम इन द ब्रुकफील्ड नाउ ही वॉज द पार्ट ऑफ द ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड वॉज लिविंग इन हिज मेमरी ठीक है बेटा ही इज जस्ट लिविंग इन हिज मेमरीज because he has got retired and he is living at Mrs. Vickers home theek hai so he what is his you can say leisure time ya activity uski kya hai Mr. Chips ki that he always remember the time previous his old time and also he meets with the new boys who come to study at Brookfield okay beta this was the story of chapter number 6 the happenings incidents that happened in chapter number 6 and tomorrow inshallah we shall start something else and beta till then stay blessed and Allah Hafiz